अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर हमारी ज्वेलरी जो टूट जाती है, उसका जो एयरिंग होता है, अक्सर उसकी पिन टूट जाती है या ज्वेलरी हमारी कहीं और से टूट जाती है, तो वो हमारी ज्वेलरी दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती, हम उसको साइड में रख देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्वेलरी हम किस तरह दोबारा से उसको जोड़कर यूज़ करें, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सोल्डरिंग आयरन और हमें चाहिए होगी सोल्डरिंग वायर। तो सबसे पहले हम जो जहाँ से हमारा एयरिंग की जो पिन है वो टूटी है, उसको हम सैंड पेपर से या किसी कटर वगैरह या ब्लेड की मदद से उसको स्क्रैच कर लेंगे। उसकी जितनी भी पॉलिश है हमें हटा देनी है। हमें जिस जगह सोल्डरिंग करनी है वहाँ से पहले पॉलिश हटा देनी है, उसके बाद ही हमारी सोल्डरिंग होगी। तो मैंने पॉलिश वगैरह रिमूव कर दी है, उसके बाद हम थोड़ी सी सोल्डर वायर मेल्ट करके वहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। और साथ में हमें फ्लक्स भी यूज़ करना है ताकि हमारा जो टांका है वो मज़बूत लगे और स्मूथ लगे। तो ये मैंने सोल्डरिंग आयरन चेंज कर लिया है, क्योंकि ये हमारा 40 वाट का सोल्डरिंग आयरन है और इससे टांका जल्दी लगेगा। जो पहले सोल्डरिंग आयरन था वो 30 वाट का था। तो अब हम इसकी जो पिन है वो प्लायर की मदद से पकड़ेंगे और इसको रख कर हम सोल्ड करेंगे। अगर आपकी ये पिन घूम हो चुकी है तो आप इसकी जगह जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है उसकी एक वायर काट कर वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोल्डरिंग पहले ही कर ली थी इसकी पिन के ऊपर और इसकी जो नीचे वाली बेस है उसके ऊपर। उसके बाद हमें रखकर जस्ट सोल्डरिंग आयरन टच करना है, हमारी सोल्डरिंग हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा टांका बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है और ये काफ़ी मज़बूत लगा है। तो आप भी इस तरह जो अपनी ज्वेलरी है उसको जोड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।